ये गुरुवर भी ना मुझे चकमा देकर न जाने कहाँ गायब हो गए, कहीं पुनः महाराज के कान न खींच दे। प्रणाम महाराज। आइए पंडित रामकृष्ण। महाराज सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से ही हो रहा है। कल प्रातःकाल वो लोग बारात लेकर देवी माँ के मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ देवी माँ का आशीर्वाद लेने के पश्चात पहली रस्म की जाएगी। रस्म कैसी? महाराज योजना ये है, योजना तो उचित है परंतु कहीं कोई चूक तो नहीं होगी? नहीं नहीं महाराज, देवी माँ के आशीर्वाद से सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। बस आप वैसा ही कीजिएगा जैसा मैंने आपको करने के लिए कहा है। पंडित रामकृष्ण, हम सब कुछ आपके कथनानुसार ही करेंगे। परंतु, और ये परंतु ध्यान से स्मरण रखिएगा, यदि आपकी बनाई ये योजना विफल हो गई और हमें तीसरा विवाह करना पड़ गया तो उस विवाह मंडप में एक विवाह नहीं होगा, दो विवाह होंगे। दो विवाह? हाँ, एक हमारा और एक आपका। हमने आपके लिए कन्या भी देख रखी है। हमारे विवाह के पश्चात उसी मंडप में आपके भी फेरे लगेंगे और आपका भी दूसरा विवाह हो जाएगा, और उसके पश्चात आप शारदा देवी और वो कन्या, समझते रहिएगा। नहीं नहीं महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ना तो मेरा दूसरा और ना ही आपका तीसरा विवाह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना 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 ना, अब आप अनुमति दे महाराज। रुकिए, गुरुवर कहाँ है? वो भी तो गए थे ना आपके साथ। आपके कथनानुसार हमने उन्हें कारागार से मुक्त तो कर दिया है, परंतु उन्होंने अभी तक अपने अपराध की क्षमा नहीं मांगी। अब क्या बताऊं महाराज, वो तो अपना मौन व्रत तोड़ने को तैयार ही नहीं है, अब भी आपके प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। और तो और, आपके विवाह के बारे में सुनकर प्रसन्न भी हो गए, मेरे साथ गए थे वैजंती पल्ली, तो यात्रा की तनिक थकान हो गई है। कल जैसे ही उनका मौन व्रत टूटेगा ना, वो आपसे क्षमा मांग लेंगे। ये गुरुवर कहाँ गायब हो गए? कहीं फिर से झाड़ियों के पीछे तो नहीं छिप गए? नहीं नहीं नहीं, कल मैं महाराज को क्या उत्तर दूंगा? प्रणाम महाराज। ये गुरुवर कहाँ है? कहीं पुनः कुछ गड़बड़ ना कर दे। ये तो वही साधु महात्मा है जिन्होंने हमसे कहा था कि हम महाराज के कान 11 बार खींचें जिससे महाराज के प्राणों की रक्षा हो सके। किंतु ये यहां क्या कर रहे हैं? हाँ, अवश्य महाराज के प्राणों की रक्षा हेतु ही आए होंगे। सभी जन कृपया अपने अपने नेत्र मूंद कर देवी माँ की आराधना करें। सर सही है, महाराज और सारे लोग आंखें बंद किए हुए हैं। हम अभी जाकर महाराज के कान खींच देते हैं। ए बंधु! रामा नेत्र खोल, वो देख गुरुवर। ये गुरुवर भी मानने वाले नहीं है, महिला बनकर आ गए महाराज का कान खींचने। बस बस, देवी माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त हुआ। अब समय है विवाह के प्रथम रस्म का, जो कन्या के पिता करेंगे। महोदय रस्म आरंभ करें। ये रस्म तो
उसके साथ निभाई जाती है जो वर का सबसे विश्वास पात्र हो अथवा जिस पर वर को सर्वाधिक विश्वास हो, अर्थात जो वर का सहबाला बने। उचित कहा ना हमने? जी जी, उचित कहा। तो महाराज, यहाँ इस समय ऐसा कौन है जिस पर आपको सर्वाधिक विश्वास है? प्रणाम बाबा। खुश रहो, सदा सुखी रहो। हम आपके आभारी हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा हेतु आपने हमारे तीसरे विवाह का सुझाव दिया। हमें पूर्ण विश्वास है, जब तक आप हमारे साथ हैं हमारे प्राणों पर कोई संकट नहीं आ सकता। पंडित रामाकृष्ण, सत्य तो यह है कि इस समय हमें संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक विश्वास। अवश्य महाराज, हमारा ही नाम लेंगे। आदरणीय महात्मा जी पर है, इनका विश्वास ही तो है जिसके चलते हम ये तीसरा विवाह कर रहे हैं। ये साधु महाराज कब से विश्वास प्रिय हो गए? अति उत्तम। तो इस तरह से तो आपके सहबाला साधु महात्मा ही बने। क्यों महात्मा जी? सहबाला बनना तो सौभाग्य की बात है। हम सहबाला बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, किंतु बनेंगे अवश्य। तो महोदय आइए और रस्म आरम्भ कीजिए। तो क्या मुझे इनके साथ रस्म पूरी करनी होगी? हाँ, किंतु बात क्या है, आप तनिक चिंतित दिख रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ उचित है। और महात्मा जी, आप ये रस्म और बाकी की दोनों रस्में पूरी तरह निभाएंगे ना? महाराज के विवाह का प्रश्न है, यदि रस्में उचित प्रकार से नहीं निभाई गई तो विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। आप पीछे तो नहीं हटेंगे? हम पीछे हट भी सकते हैं, नहीं भी हट सकते, किंतु हटेंगे नहीं। महात्मा जी वचन दीजिए। हम वचन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, किंतु हम वचन देते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। उचित है, उचित है। तो महोदय आइए और रस्म प्रारंभ कीजिए। ये क्या किया बद्रीनाथ, तुमको ज्ञात नहीं कि रस्म क्या है? कि तू अब मुझे तो रस्म करनी ही होगी। शारदा, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? महारानी, ये रस्म है, इन्हें पूरी करने दीजिए। हमारे यहाँ तीसरे विवाह में यदि इस प्रकार की रस्में पूरी ना की जाएं, तो विवाह संपन्न नहीं हो सकता। ससुर जी, आप कीजिए। तो इस प्रकार पहली रस्म संपन्न हुई। ये कौन सी रस्म है धनी? अब हम सब विवाह मंडप की ओर प्रस्थान करते हुए दूसरी रस्म संपन्न करेंगे। शारदा, ये कौन सी रस्म है? हमारी अनुपस्थिति में कुछ भी करवा रहे हैं पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण महाराज, पहली रस्म पूरी हो गई, अब हम सब विवाह मंडप की ओर प्रस्थान भी कर रहे हैं। आप भूलिएगा मत, यदि आज हमारा ये तीसरा विवाह हुआ तो आप अभी विवाह करवा कर ही रहेंगे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए। महाराज का तीसरा विवाह उनके प्राणों पर आया संकट टालने के लिए किया जा रहा है, परंतु ये महाराज के प्राणों का प्रश्न है। हम उनके कान 11वीं बार अवश्य खींचेंगे, हम किसी और उपाय पे भरोसा नहीं कर सकते। तो अब दूसरी रस्म की बारी है, जो कन्या के पिता सहबाला के साथ संपन्न करेंगे। महोदय दूसरी रस्म आरंभ कीजिए। हाँ पंडित रामकृष्ण, करते। अरे ये क्या हो रहा है? रस्म हो रही है महात्मा जी, और रस्म में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और महोदय आप क्या कर रहे हैं, तनिक जोर से खींचिए ना। अरे छोड़ो, अरे मुझे
स्वान की भांति क्यों खींच कर लाए हो? रस्म है महात्मा जी, आपने वचन दिया था ना कि सारी रस्में पूर्ण करेंगे, तो पूर्ण तो करनी पड़ेंगी ना। पंडित रामकृष्ण महाराज, गुरुवर कहाँ है? माना कि हमारा ये विवाह नहीं होने वाला है। परंतु फिर भी वो हमारे पिता तुल्य हैं, उन्हें इस अवसर पर उपस्थित होना चाहिए। वो यही है महाराज। क्या? यही शिवजी के मंदिर गए हैं आपके लिए हवन करवाने, बस आते ही होंगे। पंडित जी आप मंत्रोच्चारण आरंभ करें। आइए महाराज, आइए। भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरिताप उद्विदा। प्यारी नजर उतारने जा रही है। पंडित रामकृष्ण जी महाराज, अब तो विवाह के मंत्रोच्चार भी प्रारंभ हो गए, आप कुछ करते क्यों नहीं? हमें ये विवाह नहीं करना। मुझे क्या था महाराज, तनिक धैर्य रखें, कुछ नहीं होगा। धैर्य हम रखेंगे, आप स्मरण रखिएगा, यदि हमारा ये तीसरा विवाह हुआ तो आपका भी दूसरा विवाह होकर आएगा। नहीं 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 होगा महाराज। धनी। हाँ मनी। ये महिला कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मुझे भी जानी पहचानी ही लग रही है। हाँ तो अब बारी है तीसरे रसम की, जो है नजर उतराई की रसम। अम्मा वो नजर उतारने वाली झाड़ू जरा कन्या के पिता को लाकर देना। अरे आप शीघ्र कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकल जाएगा। आपको स्मरण है ना कि आपको इन्हें 21 बार झाड़ू से मारना है। हाँ। अरे बस करो, अरे बस करो, ये कैसी रस्में हैं? अरे अरे माँ जी, ये रस्में तो युगों से सदियों से चली आ रही हैं। यदि आपको झाड़ू नहीं मारा गया तो महाराज को नजर लग सकती है। अरे पंडित रामकृष्ण विक्षिप्त हो गयी, कुछ भी करवा रहे। यदि हमें महाराज के कान नाक खींचने होते तो अभी की खबर लेते। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? हमारे यहाँ तो होता है, क्यों महाराज? हाँ पंडित रामकृष्ण सत्य कह रहे हैं, हमारे यहाँ तीसरे विवाह में यदि ये सब रस्में पूर्ण ना की जाए तो विवाह संपन्न नहीं माना जाता। हाँ, और झाड़ू खाने के पश्चात तो आपको गोबर से स्नान भी करवाया जाएगा। नहीं तो तीसरी महारानी के प्राण संकट में आ जाएंगे। अरे बंद करो ये अंधविश्वास की बातें, ये अंधविश्वास है अंधविश्वास। नहीं नहीं, हमारे लिए तो ये विश्वास विश्वास है। अरे ये कोरा अंधविश्वास है। तो आप अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते? नहीं रखते हैं। तो आप अंधविश्वास के घोर विरुद्ध हैं? घोर विरोधी हैं। अच्छा तो महाराज का ये जो तीसरा विवाह हो रहा है ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है? महाराज के प्राण संकट में हैं, उन्हें अंगूठियां पहनाई जाए, 11 बार महाराज के कान खींचे जाए, 3 दिन तक मौन व्रत रखा जाए, ये सब क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है? किसी की दुकान के बाहर, किसी के घर के बाहर लौकी टंगी हुई है, कहीं चप्पल तो कहीं छतरी तो कहीं कद्दू टंग रहे हैं, ये अंधविश्वास नहीं है? और तो और मुख्य द्वार पर काले कपड़े में काला कोयला टांगा जाए, ये अंधविश्वास नहीं है? विजयनगर के जनमानस के हृदय में, मेरी अम्मा और मेरी पत्नी के मन में, गुरुवर के मस्तिष्क में, यहाँ तक कि आदरणीय महारानियों के मन में आपने अंधविश्वास का बीज बोया। क्यों? क्या आप उसी अंधविश्वास के बीच से अपने स्वार्थ की फसल नहीं उगाना चाहते? और तो और अपने परम मित्र की कन्या से महाराज का तीसरा विवाह करवाना चाहते हैं? यह अंधविश्वास नहीं है? अरे ये तो अंधविश्वास की पराकाष्ठा है।
जिस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व ही अंधविश्वास के आधार पर खड़ा हो, वो कह रहा है कि वो अंधविश्वास के घोर विरुद्ध है। ये तो आश्चर्य की बात है महाराज। ले पंडित रामाकृष्णा ने फंसा लिया इसे अपनी बुद्धि के जाल में। पंडित रामाकृष्णा की बुद्धि की बैलगाड़ी तो बड़ी तेज चलती है धनी। वो बुढ़ऊ वहीं के वहीं मरे पड़े। तो अब अपने पक्ष में क्या कहना चाहोगे साधु महात्मा उर्फ बद्रीनाथ? हाँ, तुम्हारा सत्य हम सबके समक्ष उजागर हो चुका है। हमने अपने गुप्तचर तुम्हारे पीछे लगाए थे, जिन्होंने हमें ये बताया कि तुम कोई साधु महात्मा नहीं अपितु लुटे रहे हो। ईश्वर, धिकार है तुम पर। तुम जैसे लोगों के कारण ही सच्चे साधु महात्माओं का यश कम होता है। लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते। अब अपने इस कुकृत्य का वर्णन अपने मुख से करोगे अथवा हमारे सैनिक तुम्हें बंदी गृह में ले जाकर प्रताड़ित करके तुमसे सत्य उगलवाएं? क्योंकि अब तक तुम बंदी गृह जा भी सकते थे और नहीं भी जा सकते थे, परंतु अब पक्का जाओगे। क्षमा महाराज, हमने ये सब कुछ जानबूझकर किया। मैंने ऐसे ही अंधविश्वास फैलाकर और भी राज्यों को लूटा। तत्पश्चात हमारी योजना थी कि यहाँ पर अंधविश्वास फैलाकर आपका विवाह अपने परम मित्र की कन्या से करा देंगे तो यहाँ की महारानी हो जाएगी। मैंने अंधविश्वास फैलाकर राजगुरु को तो वैसे ही बंदी गृह में भेज दिया था। मैं राजगुरु बनना चाहता था। क्या गुरुवर आप? गुरुवर, गुरुवर, ये रोटी बढ़ाऊ। स्त्री के वेश में गुरुवर, ये सब क्या है? महाराज, ये जो भेष है, हमने इस दुष्ट पाखंडी दुराचारी नरलज के कारण लिया है। छल किया इसने महाराज हमारे साथ। राजगुरु बनने के लिए अंधविश्वास के जाल में फंसाया तुमने हमें। हमारे महाराज की कान खिंचाई करवाई हमसे, वो भी 10-10 बार। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें दोस्त। एक शिव भक्त के साथ छल किया है तुमने, भगवान शिव तुम्हें भस्म कर देंगे। और वो क्या, हम ही तुम्हें अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे। हमारे महाराज का अपमान करवाने का महापाप करवाया तुमने हमसे। क्षमा महाराज, ये पाप हमसे इस पाखंडी के कारण हो गया। क्षमा चाहते हैं महाराज। गुरुवर, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। हम व्यर्थ ही आपको अपना पिता तुल्य नहीं कहते। आपने आज सिद्ध कर दिया आप हमारे पिता से कम भी नहीं है। जैसे एक पिता अपनी संतान पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देता, और यदि कष्ट आ भी जाए तो उस कष्ट को स्वयं अपने गले लगा लेता है, आज आपने भी तो वही किया गुरुवर। आइए, हमारे गले लग जाइए। सैनिकों, इन दोनों को और इनके सहयोगियों को बंदी गृह में डाल दो। रुको रुको, एक क्षण महाराज। 3 रस्में तो हो गई महाराज, अब वो गोबर रस्म शेष है। उसके मध्य में एक रस्म रह गई है, वो हम पूरी कर लेते हैं। कैसी रस्म गुरुवर? थप्पड़ रस्म महाराज। लेके जाओ इसे। क्षमा, तो हम दोनों भी मांगना चाहते हैं आपसे। इस अंधविश्वास में पढ़कर हम दोनों आपका तीसरा विवाह कराने चले थे। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। हाँ महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। परंतु पंडित रामकृष्ण की सोच बूझ ने हम सबको बचा लिया। और इसी प्रसन्नता में महाराज, आज हम सबके लिए गोभी की खीर बनाएंगे। हाँ।
आज तो हम सबके समक्ष कहेंगे, समस्या विकट अब क्यों? कोई 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 चूक ना रह जाए इसलिए खींच दिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.